उपेंद्र पांडे वीडियोस में आपका स्वागत है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। यह सोलर प्रोजेक्ट का पार्ट का 3 है। आपको चैनल पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इंसुलेटर और ये कटआउट लगा हुआ है ऊपर पर, और इस पर क्या है सीरीज में ये 3-3 करके 9 इंसुलेटर लगते हैं। ये 2 पोल्स का स्ट्रक्चर में इंसुलेटर लगा हुआ है। ये रिले आपको देख रहे हैं लाइव लोकेशन पे आपको देखने को मिलेगा। ये पैनल का एक रिले है जो हर एक सिस्टम को इंडिकेट करता है कि यहाँ पास ये खराबी आ रही, तो वो कमांड आ जाता है इस पर और ये ऑटोमेटिक इस पर सेट होता है। ये फिर सेट करते हैं इसको कि इतना टेम्परेचर जाएगा तो हम इतना ऑटोमेटिक वो ब्रेकर को इंडिकेट कर देगा कि ये हाई करंट है, लो करंट है, तो ऑटोमेटिक वो अप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जैसे करंट ट्रांसफार्मर है, पोटेंशियल ट्रांसफार्म, पोटेंशियल ट्रांसफार्म क्या करता है कि स्टेप अप करता है डाउन करेंट को, ठीक है, ये और पीटी क्या डाउन करता है, ठीक। तो ये दोनों को मेंटेनेंस करता है ब्रेकर। ब्रेकर को का कंट्रोल केवल ये आता है पैनल पे, स्विच पे, और देखिए जैसे कि यहाँ अलार्म लगा हुआ है कि मतलब इंडिकेशन करने के लिए कि यहाँ पास फायर लगेगा या हीटिंग होगा, मतलब वो टेम्परेचर सब आ रहा कि नहीं, ऑयल टेम्परेचर सब कुछ ये रिले पे, और रिले मतलब पूरा सिस्टम को कमांड करता है, कंट्रोल करता है रिले। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पास मास्टर रिले है और यहाँ पास OSIF रिले है कि कमांड सेट होता है इस पर कि जैसे ट्रिप हो गया तो उस पर सेट करेंगे कि अगर ट्रिप होता है ये क्या होगा, तो अलार्म बजने लगेगा, सायरन बजने लगेगा, हम समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं पास प्रॉब्लम चल रही है। और इस पर सेकेंड देखिए आप, जैसे कि देख ऑन ऑफ के लिए स्विच में कैसे होता है, देखिए जैसे हम पैनल के लिए बस कपलर का एक बहुत, यहाँ देखिए जैसे कि बहुत सारे MCC भी लगी हुई है, TV लगी हुई है, ये कनेक्शन 14 कोर 8 कोर का कनेक्शन आया हुआ है कंट्रोल के, जो कि CT PT ब्रेकर हर कुछ का इस पर कनेक्शन आया हुआ, यहीं से कनेक्शन होता है और ऊपर पैनल पे रिले पे के थ्रू जाता है इस पर और रिले कमांड करता है। आपको इस चैनल पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको जो भी पूछना हो लाइव लोकेशन पे ऑन द स्पॉट मैं आपको उस चीज़ का वीडियो बना के दूंगा, बताऊंगा कि हाँ ये है। जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, CT कैसे होता है, कहाँ क्या कौन सा नट लगता है, एक छोटे से नट से लेके एक बड़ा कंपोनेंट तक मैं आपको हर एक अपने चैनल पे बना के वीडियो डालूंगा पार्ट बाई पार्ट। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे फ्रेंड्स के साथ। मैं EEE ग्रुप में आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में जो कुछ जानना होगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पास बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट में आपको पिछली वीडियो में बताया कि इन्वर्टर और PDB लगती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और तो 4 इन्वर्टर का 1 PDB लगता है और 1 PDB यहाँ कनेक्शन आता है इस पे 240 का केबल का, और यहाँ पर ये अलार्म लगाने के लिए कि यहाँ पर सही है कि नहीं, फायर अलार्म के लिए कपलर लगा हुआ है कि देखेंगे कि सही है कि नहीं। RY भी है, देखिए जैसा कि यहाँ पर इंडिकेशन यही आता है कि कनेक्शन सही है। अभी दोस्तों जो कुछ भी थोड़ा जल्दी हो जा रहा है मुझसे बोलने में, तो गलती थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि हाँ ये है, तो मैं आपको उस चीज़ का सही करके बताऊँगा अगले वीडियो में। देखिए जैसे कि ऑन स्विच कैसे होता है, कैसे लगा होता है, आप लाइव लोकेशन पे देख सकते हैं कि कैसे वर्क होता है पैनल्स पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होता है उनको पता नहीं होता है कि साइड पे कैसा वर्क होता है और सब स्टेशन में कैसा पैनल में कैसा काम होता है। देखिए जैसे यह सोलर प्रोजेक्ट का ये पैनल है 5 MW का, तो पैनल रखा हुआ है LT पैनल 1 LT पैनल 2 बस कब और क्या बोलते हैं नए पैनल, जिसे ट्रांसफार्मर इनकमिंग आउटगोइंग के लिए रखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म के लिए कि स्टेप अप स्टेप जो सिटी पैनल को कंट्रोल करेगा, सिटी को कंट्रोल करेगा, उसको इंडिकेट करेगा कि हाँ ये है, तो वो डायरेक्ट फिर रिले, एक रिले पैनल है, रिले पैनल पे पूरा कंट्रोल सब कुछ का होता है, वो इंडिकेशन देगा, कमांड करता है कि हाँ यहाँ पास ये है, अब स्टेप अप हुआ, मान लो करंट आ रहा है, ज़्यादा जा रहा है, तो वो इंडिकेशन दे देगा कहाँ ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें वो ब्रेकर से ब्रेकर के थ्रू पैनल में आ जाएगा इंडिकेशन। फिर और रिले पे कमांड सेट होता है तो ऑटोमेटिकल उस चीज़ को कमांड दे देगा ब्रेकर को कि नहीं इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे ऑन ऑफ है यहाँ पास का, तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।
जो भी गलतियाँ हो मुझे माफ़ करें अगर कुछ गलत हो जाए तो, और इतने के लिए मेरे चैनल पे आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। देखिए जैसा कि आप ये चीज़ देखने को मिलेगा, पावर कनेक्टर जैसे छोटा सा छोटा चीज़ है लाइक, और देखिए RYB का मेन कनेक्शन जहाँ ट्रांसफार्मर का केबल जाएगा, हाई करेंट HT केबल का ट्रांसफार्मर के अंदर। देखिए कैसे होता है अंदर पैनल के क्या क्या लगा होता है, छोटा सा मिनी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। देखिए यहाँ जो बैटरी से पूरा का चार्ज अप करेगा, और देखिए यहाँ पास कनेक्शन RYB दिया है HT केबल के लिए, कनेक्शन के देने के लिए। वो कैसे कनेक्शन होगा, उस केबल में कैसा जॉइंट होगा, मैं आपको हर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत एक्सप्लेन करूँगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू मेरे चैनल पे आने के लिए, धन्यवाद। हेलो ओपन पांडे वीडियो में आपका स्वागत है। लाइक करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मैं आपको वीडियो पहुंचा सकूं, और उस चैनल पे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इंसुलेटर और उस पर कटआउट लगा हुआ है, फिर करके नॉन इंसुलेटर लगेगा, टू पोल्स का स्ट्रक्चर पे इंसुलेटर लगा हुआ है। स्ट्रक्चर में इंसुलेटर लगा हुआ है। देखिए अब जैसे देख पा रहे हैं इधर रिले लगा हुआ है, लाइव लोकेशन रिले क्या कर रहा है कि सारे सिस्टम को इंडिकेशन देगा कि हाँ, मतलब इंडिकेट भी करेगा कि हाई है कि हाई वोल्टेज है। लोग जैसे CT पोटेंशियल करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो कि करंट ट्रांसफार्मर स्टेप अप करता है वोल्टेज, और या CT डाउन करता है, और ये जो सिस्टम कंट्रोल होगा वो 8 कोर 14 कोर का ही केबल आके यहाँ जॉइंट होगा रिले पे अंदर सिस्टम नीचे से, जिसे मैं आपको दिखाऊंगा कुछ देर में। फाइनली ये क्या करता है कि सब चीज़ को कंट्रोल करेगा, जैसे पैनल को मेंटेनेंस करता है, करंट वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, केवल ये आता है पैनल पे। देखिए एसटी पे अलग लगा हुआ है, जैसे कि यहां अलार्म लगा हुआ है कि मॉनिटर करेगा यहां कि सही है, हां इस पैनल के अंदर सही है, देख हीटिंग होगा, मतलब आ जाएगा जैसा पा रखे नहीं सही चल रहा है अभी, अगर कुछ गलत होता है मतलब कुछ खराबी आती है तो अलार्म बजने लगेगा। देखिए अलार्म के लिए कमांड करता है, कंट्रोल करता है, ट्रिप होने लगेगा। देख पा रहे हैं यहां पास मान लीजिए किसी इन्वर्टर के अंदर और यहां पास के अंदर कुछ खराबी आई है, इंडिकेशन कमांड ट्रिप कर देगा, मतलब बता देगा कि हां ये सही नहीं हो गया तो उस पे सेट करेंगे कि फॉल्ट आ रहा है तो ये क्या होगा, तो अलार्म बजने लगेगा। देखिए ऑन ऑफ के अंदर जो ऑन ऑफ के लिए स्विच के अंदर कैसा काम करता है ये, और इस पे सेकंड नंबर कैसे केबल जॉइंट होता है, ऑन ऑफ के लिए स्विच में कैसे काम करता है। देखिए जैसे हम इधर पैनल के लिए बस कपलर का एक बॉस कपलर का देखिए, जैसे कि बहुत सारे MCC भी लगी हुई है, टीवी लगी हुई है, कनेक्शन 14 कोर 8 कोर का भी लगी हुई है, कनेक्शन आया हुआ है कंट्रोल, तो जो कि CT PT ब्रेकर हर कुछ का 14 कोर का कनेक्शन आया हुआ है, CT से कनेक्शन होता है, और ऊपर सारे केबल आपको दिख रहे हैं RYB के, सब कंट्रोल केबल के केबल है इस पे RYB जो CT ब्रेकर से आते हैं, और यहां इस चैनल पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे दोस्तों के द्वारा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये पूरा इंडिकेशन जाता है रिले पर, रिले क्या करता है कि आपको सिस्टम उस चीज का वीडियो बना देगा और बताऊंगा कि हां ये है MCC ट्रांसफार्मर और CT का कैसे होता है, यहां क्या कौन कैसे स्विच है, एक छोटे से नट से लेकर कैसे बड़ा कंपोनेंट देख लीजिए। आपको हर एक अपने चैनल पे बना के वीडियो डालूंगा पार्ट बाय पार्ट, तो आप मेरे चैनल पे हर एक छोटा सा छोटा चीज वो लाइव लोकेशन पे कैसे दिखता है, कैसे वर्क होता है, वो आपको मैं हर वीडियो में पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा। आपको जो भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं कि सर आप मुझे बताइए, तो मैं उस चीज का वीडियो बना के डालूंगा। देखिए जैसे एक PDP पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो सोलर पैनल से आता है, वो इन्वर्टर में आएगा, इन्वर्टर चार इन्वर्टर का एक PDP बनाएगा, वो एक PDP जो होता है क्योंकि सही है कि नहीं RYB है, मतलब कुछ ऐसा एक इन्वर्टर दे जो होता है इसके एम्पियर को, तो ऐसे करके चार इन्वर्टर एक PDP में लगेगा, उस PDP के थ्रू इस पैनल पे आएगी दोस्तों, बत्तीस PDP आएगी, और 32 PDP के अंदर आप इंटू कर लो फोर्स है, कितने इन्वर्टर आएंगे वो एक मिला के 5 MW जो कि एक मॉडल वर्क होता है, एक मॉडल
का 320 या 321 ऐसे कुछ एम्पियर में आता वाट में आता है। ऐसे करके 20 मॉडल 40 मॉडल का एक स्ट्रिंग 40 मॉडल का एक स्ट्रिंग होगा, देखें देख पा रहे हैं जैसे, और उस पर एक इन्वर्टर लगेगा। और इस ट्रांसफॉर्मर इस इन्वर्टर में जो आपको सामने पैनल दिख रहा है, आपको पैनल पे आएंगे कनेक्शन 240 के केबल से। अब वो 240 के केबल कैसे ग्रैंड होगा, कैसे टर्मिनेट होगा, कैसे, ये देखिए आप सामने देख पा रहे हैं, सब कंट्रोल केबल इस पे जॉइंट होंगे। और कैसे जॉइंट होंगे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हां ये कैसे जॉइंट होगा। अब स्टेप अप हुआ, मान लो करंट आ रहा है, ज्यादा जा रहा है, तो आपको एक छोटा सा छोटा चीज जैसे वो एक ब्रेकर के थ्रू कंट्रेक्शन में कैसे वो वर्क करेगा वो आपको मैं बताऊंगा। रिले पे कमांड कैसे बनाना है प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट का जितना भी काम है वो आपको मैं बताऊं। जैसे देखिए स्विच ऑन ऑफ है यहां पास कनेक्शन, इसको कनेक्शन में कैसे कनेक्शन होगा, ये कैसा इंडिकेशन देगा, ये सब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे देख पा रहे हैं। ये देखिए जैसे कि ये पावर कनेक्टर है, ये पावर कनेक्टर कहाँ लगेगा, क्या यूज़ है, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। लाइक ये देखिए जैसे कि यहाँ पास है RYB, देखिए RYB का मेन सिंगल सिंगल कोर में ये ट्रांसफार्मर केबल जाएगी, हाई करंट 80 into 2 मतलब 36 केबल जाएगी इनकमिंग और आउटगोइंग में। ट्री में कैसा जॉइंट होगा ट्रांसफार्मर में, अर्थ स्पीड एसी अर्थ पिट और डीसी अर्थ पिट कहाँ कहाँ यूज होगा, मैं सबको आपको एक्सप्लेन करूँगा अपने वीडियो में। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे चैनल पे दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को जितना सब्सक्राइब करवा सकते हैं, लाइक केबल में कैसा, तो आपको मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ बताने मेरे वीडियो जानने के लिए इच्छुक हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, चलो हाँ मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप प्लीज जो आपको जानना होगा मेरे चैनल पे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, बताएं कि क्या बनाना है सर, मुझे ये जानना है।